Hello everyone, it's a very special moment for us today at Anglian Metal Hunt. We have done first of our signings today, a couple of walkers and a boxer. KT Irfan is in the 20 km walk, he's also with the army. Apne kaun si age mein sports start kiya aur aapko aapka inspiration kaun hai? मैं 2006 में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, वॉकिंग स्टार्ट किया। उसी टाइम वर्कआउट नहीं करूँगा, डायरेक्टली कॉम्पिटिशन करूँगा मैं। मेरा फर्स्ट मेडल 2011 में सीनियर नेशनल बैंगलोर में से स्टार्ट किया। उसके बाद कैम्प में कोसाब के पास गुरुदेव सिंह मेरा कोच है, कोसाब के पास आया मैं। उसके बाद मेरे को इम्प्रूव था, उसके पास नीचे नहीं गया, पूरा ऊपर ऊपर ही था। उसके बाद हम माइंड में रख दिया मेरे को, जाके इधर नहीं है उधर जाके दिखाऊंगा, पक्का मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। फर्स्ट साउथ इंडियन वॉकर्स है जिसने इंटरनेशनल लेवल में इतना अच्छा अचीवमेंट दिया है। अच्छा, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर शादी का? ये ना ना ना, कुछ नहीं था, कुछ पूरा प्रेशर था 2016 में ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है, वही था मेरा। ओके, होपफुली हम भी यही आशा करते हैं कि आप भारत के लिए मेडल जीत के आए रियो ओलंपिक्स के लिए और इंडिया का फ्लैग ऊंचा करें। आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू शिवा थापा, हु इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द लंदन गेम्स इन द बैंटम वेट। आई वाज बोर्न इन गुवाहाटी in 8 December 1993. Even my dad was a sportsman and he looked like Bruce Lee actually. बचपन से स्कूल को और बॉक्सिंग को दोनों को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल होता है। I started boxing when I saw Mike Tyson on TV for the first time, so he's my role model. We have seen a role models that we have, you know, watched their fights in YouTube, and when they come face to face to fight with us, so it's a big experience. I would like to say that I would like to thank God that I qualified for the London Olympics. It is not that I didn't expect it that I would qualify. It is just that I thought I wouldn't be eligible to qualify the London Olympics. When I heard about Anglian Medal Hunt, I met Mr. Manish sir, and a company like Anglian Medal Hunt is coming forward to support us, and hopefully we will not let them down. We will perform our very best, and hopefully we will even win medal at the Rio Olympics too. Basant is in the other event, which is 50 km walk. And he also broke the national record. मैं नेपाल से हूँ, मेघालय शिलोंग में पोस्टिंग हूँ। 2006 में जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया उस टाइम मैं 21 साल का था। फर्स्ट टाइम 2006 में मैंने पहली बार एक इवेंट किया था, उस टाइम मेरा टाइमिंग था 5 घंटा 23 मिनट का, तो अभी मेरा करेंट टाइमिंग है 3 घंटा 56 मिनट। पूरा 50 किलोमीटर में मूवी ख़त्म हो जाती है लेकिन ये रेस ख़त्म नहीं होती। मेरा एक सपना था कि कुछ करना है, तो मैं पहला आदमी हूँ जो इंडिया की तरफ से क्वालिफाई करके 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग में खेला, मेरे से पहले कोई नहीं खेला है। अच्छा लगा, काफ़ी खुशी मिली कि पहले ऐसे कि जैसे हमारा इवेंट जो था वॉकिंग, किसी को पता ही नहीं था कि वॉकिंग भी कोई इवेंट होता है। अभी जो इस ओलंपिक के रिजल्ट के बाद लोगों को पता लग गया, जैसे आप लोग को भी पता लग गया सर वहाँ पर लंदन में थे कि ये भी इवेंट होता है, और हमें भी कोई पूछ रहा है, मतलब देख रहा है, जैसे नहीं तो क्रिकेट ही क्रिकेट होता है इंडिया में। तो गोरखाली को छोरो हूँ मैं, गोरखे मेरो नाम, आई लागने शत्रु को मगर छु काम तमाम, इतिहास पलटाई हेर या पुर्खालाई सोध, जितेकै छ संसारलाई, वीर 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 गोरखाली।